सो हाय गाइस, पिछले असाइनमेंट पर हमने ये वाला असाइनमेंट किया था, पिछले वीडियो पर एक्चुअली. तो ये वाला असाइनमेंट अगर आपको आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं लग रहा है तो नीचे सॉलिड वर्क्स का प्लेलिस्ट है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो. आज हम ये वाला असाइनमेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं. सेव नहीं करते, हम बाद में भी इसको कर सकते हैं. जो एक बार कर लेगा वो बार बार कर लेगा. जो अगर तुम देख कर कर रहे हो, तो एक्चुअली तुम कर नहीं रहे, एक्चुअली तुम कॉपी कर रहे हो, तो तुम सेकंड टाइम नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर करो कि तुम खुद से करो. या तो तुम पहले ये जो यहाँ पर असाइनमेंट का पिक्चर मैं फास्ट यहाँ पर वीडियो स्टार्टिंग के टाइम दे दूंगा, वहां पर तुम स्क्रीनशॉट ले लेना. उसके बाद तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखो. या तो अगर एकदम नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद खुद से ट्राई करो. ऐसा नहीं कि वीडियो देखते देखते कर रहे हो, ऐसा कभी भी मत करना. तो मतलब एक्चुअली तुम असाइनमेंट कर नहीं रहे, एक्चुअली तुम कॉपी कर रहे हो, जो सही बात बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं यहाँ पर सेंटर लाइन लूंगा. सेंटर लाइन लेने के बाद कौन सा प्लेन लूंगा, यहाँ पर राइट प्लेन लूंगा. राइट प्लेन लेने के बाद यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्शन ऑन है, इनफाइनाइट को भी ऑन कर देता हूँ. उसके बाद यहाँ पर एक वाई एक्सिस लूंगा, उसके बाद एक एक्स एक्सिस लूंगा. उसके बाद इसको क्लिक करूंगा. क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सोच रहा हूँ मैं फ्रीली ड्रॉ भी कर सकता हूँ, या फ्री ड्राइंग भी कर देता हूँ. यहाँ पर इनफाइनाइट को ऑफ कर दूंगा, कॉन्स्ट्रक्शन को भी ऑफ कर दूंगा. उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके एकदम नीचे जाऊंगा. नीचे जाने के बाद यहाँ पर सीधा जाऊंगा, उसके बाद ऐसे जाके फिर से यहाँ पर क्लिक करके एक आर्क ले लूंगा. बाद में भी तुम यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक दो रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर ऊपर एक आर्क, उसके बाद यहाँ पर एक फिलेट वगैरह वगैरह बहुत कुछ ले सकते थे, पर मैं यहाँ पर फ्री हैंड ड्राइंग कर देता हूँ. उसके बाद यहाँ पर एक जाके फिर से वापस आके यहाँ पर फिर से एक आर्क ले लूंगा. आर्क लेने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे जाऊंगा. नीचे जाने के बाद यहाँ पर फिर से जाके फिर से वापस आके फिर से यहाँ पर एक फिलेट, फिलेट मतलब एक आर्क लूंगा. उसके बाद यहाँ पर इसके साथ ऐसे जोड़ दूंगा. जोड़ने के बाद देखो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बन चुका है. इसके मारने के बाद यहाँ पर मैं सभी को ऐसे ब्लू सिलेक्ट करूंगा. ब्लू सिलेक्ट करने के बाद इस कंस्ट्रक्शन को अनचेक कर दूंगा, तो देखो सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी जॉइंट्स हैं इन सभी को टेंजेंट कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. यहाँ पर भी तुम टेंजेंट कर दो, तो उसके बाद यहाँ पर भी तुम टेंजेंट कर दो. उसके बाद अच्छा है, ब्लू सिलेक्शन से नहीं होगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको टेंजेंट कर दो. उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको भी टेंजेंट कर दो, और आखिरी वाला यहाँ पर क्लिक करके भी इसको टेंजेंट कर दो. एकदम परफेक्ट हो चुका है. उसके बाद हम सारा डायमेंशन वगैरह दे देंगे. यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे. स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन के बीच का यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 22. तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 22 दबा के एंटर मारूंगा. उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली सेंटर टू ए जो नीचे का जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 50 है. एक्चुअली मुझे कॉन्जंक्टिवाइटिस हो चुका है, तो मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली क्या लिखा है. तो 50 दबा के मैं एंटर करूंगा. अगर कुछ गलती हो जाए मिस्टेकली तो थोड़ा सा माफ कर देना. तो 50 दे रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पर इस आर को क्लिक करूंगा. एक्चुअली ये फिलेट है, जो मतलब फिलेट से ही तुम लोग नॉर्मली लोग लेते हैं, पर मैं फ्रीली ड्रॉ कर चुका हूँ. तो इस आर्क का यहाँ पर रेडियस 11 है. 11 दबा कर मैं एंटर मारूंगा. उसके बाद यहाँ पर इस प्लेन से यहाँ पर ये जो प्लेन है इसका यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 32 शायद है, ठीक से दिख नहीं रहा. 32 दबा के मैं एंटर मारूंगा, हो गया. उसके बाद यहाँ पर इस बार वाले जो आर्क है इसको क्लिक करके खींच लो. उसके बाद इसका भी रेडियस 11 ही दिखा रहा है. तो एक्चुअली यहाँ पर R11 × 2 कर देता तो मैं समझ जाता, पर कोई बात नहीं, जो किया है वो अच्छी बात है. उसके बाद यहाँ पर ए वाला जो रेडियस है इसका यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 5 दबा के, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी 5 नहीं 5 पॉइंट समथिंग है, 5 दबा के एंटर मारो. उसके बाद और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है. एक बार में कोई भी एक पॉइंट को, कोई भी एक पॉइंट को, इस पॉइंट को कंट्रोल दबा के सेंटर पॉइंट के साथ यहाँ पर कोइन सेट कर देता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पर मिसमैच हुआ है कि नहीं. नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. राइट क्लिक करके यहाँ पर इस वाला ऑप्शन को ऑन करो, स्केच न्यूमेटिक इनपुट, ताकि तुम डायरेक्ट यहाँ पर सर्कल करने के टाइम डायमेंशन दे पाओगे ऑटो कैड की तरह. ऑटो कैड से याद आया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऑटो कैड 2D और ऑटो कैड 3D का भी लिंक है, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो. ऑटो कैड 2D और 3D में भी अगर आप माहिर बनना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो. हमने लेयर पे काम किया था ऑटो कैड 2D के अंदर, उसके बाद ऑटो कैड 2D में असेंबली बनाए थे, उसके बाद ऑटो कैड 3D में बहुत सारा पैड ड्रॉइंग किए थे, उसके बाद हम ऑटो कैड 3D असेंबली भी किए थे. फ्यूचर में और भी अगर मैं असेंबली करूंगा तो उस प्लेलिस्ट में वीडियो आता जाएगा. फिलहाल मैं इसको क्लिक करूंगा. क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम डायमेंशन दे सकते हैं. डायरेक्ट डायमेंशन यहाँ पर डायमीटर 6 दबा का एंटर मारूंगा. उसके बाद यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर क्लिक करके ओ सॉरी 6 नहीं है, 8 लिखा है, 8 दबा के एंटर मारूंगा. बोला ना, मैं आंखों से ठीक से दिख नहीं पा रहा, तो मुझे शायद 6 जैसा लगा. इसका मैं डबल क्लिक करूंगा. डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर 8 दबा के एंटर मार दो, तो हो गया काम. यहाँ पर तुम इक्वल भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है, हो गया. उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
इसको ही पहले कर दो। अच्छा यहाँ पर एक लाइन लेना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है क्या? अच्छा इसका डिस्टेंस यहाँ पर, ओफ थोड़ा सा जूम कर लो यार, मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ पर 30 दिया है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लूंगा। लाइन लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एकदम सीधा जाके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन लो। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद इस लाइन को क्लिक करो, उसके बाद नीचे तक जाओ। इसका डिस्टेंस यहाँ पर 30 लिखा है, देखो यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर क्लिक करके 30 दबा के मैं एंटर करूंगा। हो गया, उसके बाद एकदम पूरा परफेक्ट है, सब कुछ फुल्ली डिफाइंड दिखा रहा है। उसके बाद मैं एग्जिट स्केच करूंगा। एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर इसका थिकनेस कितना है, इसको मैं फीचर्स पे जाके यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इस रीजन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसका थिकनेस यहाँ पर 13 दिया है, तो मैं यहाँ पर 13 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद अगर मैं इसको मिड प्लेन कर लूंगा तो थोड़ा सा मदद हो जाएगा। उसके बाद इसको टिक कर दूंगा, अगर ना भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसको एक्सपेंड करके स्केच पर क्लिक करूंगा, स्केच पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा। करने के बाद इस रीजन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसका यहाँ पर थिकनेस कितना दिया है, इसका थिकनेस 4 है, तो 4 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मिड प्लेन नहीं लूंगा, इसको बिल्ड पर क्लिक करूंगा। तो ये एक साइड पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कितना करना होगा, एक्चुअली कैलकुलेटर होता तो अच्छा होता, पर फिर भी मैं यहाँ पर ऑफसेट लूंगा। ऑफसेट किस तरफ जा रहा है, अच्छा मतलब सही डायरेक्शन पर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर कितना करूंगा, यहाँ पर ऑफसेट हमें कितना लेना होगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, ओफो अरे छोड़ो यार, मैं 5/2 करके एंटर मारता हूँ। 5/2 दबा के एंटर मारूंगा, तो एकदम देखो सही जगह पर आ चुका है। ओके पूरा है 5, उसका आधा है, हमें इस तरफ ले जाना होगा। उसके बाद उसको टिक करूंगा। मैं यहाँ पर बोलना मतलब कैलकुलेशन करने वाला था, 13 माइनस दोनों तरफ 4 प्लस 4 है, तो 4 प्लस 4 8 होता है, 13 माइनस 8 करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 5। उसके बाद 5/2 करने वाला था, मैं भी पागल हूँ यार। ओके उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट इस पोर्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर तुम मिरर पर क्लिक करो। मिरर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो। उसके बाद बीच से कौन सा एक्सिस जा रहा है, बीच से यहाँ पर ये वाला एक्सिस जा रहा है, इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको टिक कर दूंगा। टिक करने से देखो एकदम डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। ओके दोनों तरफ तुम अलग अलग से भी कर सकते थे, फिर से इस तरह तुम ऑफसेट वगैरह दे सकते थे, पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मिरर कर दिया, कोई झमेला ही नहीं है। ओके तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर सामने वाला पोर्शन बनाना होगा, तो सामने वाला पोर्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर इस पोर्शन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्कल पर क्लिक करूंगा। सर्कल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके एकदम इस एज पर क्लिक कर दूं क्या, एज पर क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको एस्केप मारो। एस्केप मारने का एक्चुअली यहाँ पर डबल सर्कल किया, क्योंकि यहाँ पर 3D इस्तेमाल हुआ है, तो जो हम कुछ देर बाद करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक्चुअली देख लेता हूँ इसका स्मार्ट डायमेंशन पर जाके इसको क्लिक करूंगा और इस नीचे वाले लाइन को क्लिक करूंगा। डिस्टेंस यहाँ पर 11 दिखा रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। ओके उसके बाद मैं इसको एग्जिट कर एस्केप मारूंगा। एस्केप मारने के बाद मैं इसको एग्जिट स्केच करूंगा। एग्जिट स्केच करने के बाद इसका लेंथ कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके इसका लेंथ यहाँ पर 51 दिया है, तो मैं इसको एक्सक्लूड पर जाऊंगा। एक्सक्लूड पर जाने के बाद यहाँ पर 51 दिया है ना, हाँ यहाँ पर मैं 51 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसको मैं टिक करूंगा। टिक करने के बाद हमें यहाँ पर मेन प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर एक बार अंदर की तरफ क्लिक कर दो, तो देखो हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक मसाला है। यहाँ पर देखो हमें जो थ्रेडिंग वाला ऑप्शन है ये ऊपर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एकदम फास्ट वीडियो पर मैंने बताया था, यहाँ पर जो ये खाली स्पेस है, यहाँ पर हम ये जो टूल है ये सब ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सॉलिड वर्क्स प्लेलिस्ट का एकदम फास्ट वीडियो था। ओके तो हम यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर हम कमांड्स पर जाएंगे। कमांड्स पर जाने के बाद यहाँ पर देखो कुछ ऐसा कुछ ऑप्शंस आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कौन से टैब के अंदर वाले और टूल्स को ढूंढ रहे हैं, फीचर्स वाले टैब के अंदर, तो हम यहाँ पर फीचर्स पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है थ्रेडिंग वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करके पकड़ के तुम यहाँ पर ले जाके इसको छोड़ दो। उसके बाद इसको तुम ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर हम थ्रेडिंग्स पर जाएंगे। थ्रेडिंग पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ओपन होने में, हाँ थ्रेडिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला थ्रेडिंग है, M14x1.5 वाला है, तो यहाँ पर हमें ढूंढना होगा M14 ये देखो मिल गया M14x1.5, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इस पोर्शन को ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो थ्रेडिंग आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो।
यहाँ पर देखो थ्रेडिंग आ गया, उसके बाद इसका 34 तक लेना होगा। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 34 दबा के हम एंटर मारेंगे, तो देखो 34 तक चला गया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर सामने देखो एक चैम्पर दिया हुआ है, ये चैम्पर हम नहीं ले पाएंगे अगर ये हम 34 तक कर दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको जैसा रहना है इसको ना मैं थोड़ा सा, मैं 34 नहीं, इसको मैं 35 कर दूंगा। ओफो सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, सॉरी प्रॉब्लम हो गया। इसको मैं 34 नहीं, इसको मैं 35 करके, 35 नहीं 36 करके एंटर मारूंगा। 36 करके क्यों एंटर मारा, क्योंकि हम यहाँ पर दो ऑफसेट करेंगे। यहाँ पर हम ऑफसेट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर 2 लेंगे ऑफसेट। ओ सॉरी 11 हो गया, क्यों यार, 2 दबा के हम एंटर मारेंगे सामने की तरफ। डायरेक्शन चेंज करो तो देखो सामने की तरफ हम दोनों निकाल लिए हैं, इसलिए हम पीछे की तरफ दोनों बढ़ा दिए थे। ओके, यहाँ पर हम 36 कर दिए हैं और ऑफसेट 2 ले लिया, ताकि एकदम थ्रेडिंग एकदम सामने से हो। सामने ऐसा कोई जगह नहीं बचे जहाँ पर थ्रेडिंग नहीं हो, ऐसा कुछ एरर ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ऐसा किया। ऑफसेट 2 ले लिया और 2 यहाँ पर ऑफसेट निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 34 से 36 दोनों ऐड करते हैं। उसके बाद इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर बिल्डिंग एरर क्यों बता रहा है यार, तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा थ्रेडिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसको टिक करना चाहूँ तो देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, अनेबल टू कट थ्रेड ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस यूजिंग एक्सक्लूड थ्रेड इनसाइड, मतलब है अंदर की तरफ थ्रेडिंग नहीं होगा। इसको हमें अगर एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा तो बाहर की तरफ थ्रेडिंग होगा, पर यहाँ पर तुम मैनुअल पर देख पा रहे हो, ध्यान से देखो यहाँ पर अंदर की तरफ थ्रेडिंग ही दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कट थ्रेड पर ही रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर मिरर प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर तुम यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। पर और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हम 36 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर था यहाँ पर 34, पर यहाँ पर हम 36 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2 ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट मतलब इस 2 को हम इस तरफ बाहर निकाल देंगे, ताकि ये सामने की तरफ कोई भी एरर जनरेट ना हो। उसके बाद हम यहाँ पर टिक कर देंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है, एकदम अंदर की तरफ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सामने जो फिलेट है, इस फिलेट के लिए हम यहाँ पर 1 mm यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल लेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करो, वहाँ उसके बाद यहाँ पर स्केच पर जाओ, स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर सर्कल लो, सर्कल लेने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके इसका डायमीटर कितना दोगे, इसका डायमीटर कितना था, 13 था। तो यहाँ पर मैं एक बार सॉलिड वर्क्स के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ पर 13 दबा के मैं एंटर करूंगा। ओके, उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद इस सेंटर पॉइंट कंट्रोल दबा के इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करो। उसके बाद इसको तुम कौन सेट कर दो, कौन सेट करने से यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा, स्केच आ जाएगा। उसके बाद इसको टिक करो, टिक करने के बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच करो, एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर तुम इसको क्या करना, फीचर्स पे जाके यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करना। एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक सर्कल निकलेंगे, हम यहाँ पर 1 mm का एक सर्कल एक्स्ट्रा निकला रहे हैं। ओके, उसके बाद इसको हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद देखो यहाँ पर 1 mm का एक एक्स्ट्रा सरफेस आ चुका है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर जो फिलेट का चैम्पर का ऑप्शन है, 1x45 का जो चैम्पर है, ये हम दे पाएंगे। यहाँ पर फिलेट के नीचे चैम्पर होता है, चैम्पर पर क्लिक करो। चैम्पर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 दबा के एंटर मारो, यहाँ पर 1 दबा के एंटर मारो और 45 तो दिया हुआ है। उसके बाद सिलेक्शन पर क्लिक करके इस जगह पर ध्यान से क्लिक करना, क्लिक करने के बाद इसको टिक कर देना। तो देखो यहाँ पर परफेक्टली, एकदम परफेक्टली, 100% परफेक्टली यहाँ पर चैम्पर भी हो चुका है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर पूरा लेंथ कितना था, यहाँ पर मैं पेंसिल टूल को लेता हूँ, पूरा लेंथ यहाँ पर 51 था, पर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 mm एक एक्स्ट्रा ऐड किया ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 mm चैम्पर के लिए ऐड किया, तो एक्चुअली टोटल कितना हो चुका है, 52 हो चुका है। तो हमें इस 51 को 50 कर देना है, उसके बाद 50 प्लस यहाँ पर जो 1 हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 + 50 होता है 51। तो हमने जो पूरा जब 51 दिया था, वो हम कब दिया था, यहाँ पर क्लिक करूंगा थ्रेड नहीं उससे पहले, हाँ यहाँ पर। तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर एडिट एक्सक्लूड पर जाऊंगा, एडिट एक्सक्लूड पर जाने के बाद यहाँ पर मैं 50 दिया था, तो यहाँ 51 दिया था, तो यहाँ पर मैं 50 देकर एंटर मारूंगा, तो थोड़ा सा देखो छोटा हो गया। उसके बाद उसे क्लिक करूंगा तो टोटल यहाँ पर 50 है, और उसके बाद हमने चैम्पर के लिए जो 1 ऐड किया, तो 50 + 1 होता है 51, जैसा यहाँ पर मैनुअल पर दिया हुआ है। तो एकदम परफेक्टली हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर चैम्पर वगैरह तो कुछ कहीं पर दिया नहीं है, और कहीं पर फिलेट वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो इस असाइनमेंट से तुम एकदम एकदम ऑफिशियली कैसे थ्रेडिंग बनाते हैं, एकदम परफेक्ट 100% परफेक्ट कैसे थ्रेडिंग बनाते हैं, कैसा कुछ एरर आता है थ्रेडिंग, या ऑप्शन अगर नहीं मिलता है थ्रेड तो कैसा कहाँ से ले आता है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो से पता चला। उसके बाद तुम यहाँ पर मेटेरियल वगैरह ऐड कर सकते हो, मेटेरियल के अंदर यहाँ पर मेटल के अंदर एल्यूमिनियम पर जाके कोई भी एक यहाँ पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अगर चाहो तो यहाँ पर अपेयरेंस पे जाके यहाँ पर इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर
यहाँ पर कुछ कलर वगैरह अगर तुम चाहो तो ऐसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको तुम टिक कर दो। टिक करने के बाद देखो ये वाला असाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। आज के लिए बाय बाय। यहाँ पर तुमने मतलब थ्रेडिंग एकदम परफेक्टली कैसे करता है वो सीखा। स्पेस दबा का एसोमेट्रिक करूंगा। तो आज के लिए बाय बाय गाइज।